एक मुहावरा बोला जाता था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जी, आज बापू के हथियारों की मजबूरी बन गई है महात्मा गांधी। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, और चूंकि आज गांधी जयंती है हम बात करेंगे गांधी जी के मेमोरीज के बारे में, गांधीवाद को पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में किस तरह के क्राइसिस फेस करना पड़े, क्या चैलेंजेस हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ हैं गांधी जी के पर पोते तुषार गांधी, जो हमारे हिंदुस्तान के सिविल सोसाइटी के एक बहुत प्रमुख स्तंभ हैं, लेखक हैं, लगातार इंटरवीन करते रहते हैं सोशल डिस्कोर्स, राजनीतिक जो कुछ हलचल होती है उसमें लगातार उनकी आवाज बिल्कुल बुलंद रहती है। तो तुषार गांधी भाई, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। आपको नमस्कार और आपके श्रोताओं को बापू जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। आपसे बात करने के 2 अक्टूबर तो है ही, लेकिन साथ में दो और बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक तो ये कि आपकी एक किताब कुछ ही समय पहले आई है, द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा। ये एसेंशियली कुछ साल पहले, जैसे आपने बताया है कि जलगांव में आपको अचानक से एक डायरी मिली, जो बाद में पता चला कि वो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की कुछ नोटिंग से एक सर्टन पीरियड में, तो उसके बारे में उसको आपने गुजराती से अनुवाद किया, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। दूसरा, एक और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपकी एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो मेरे लिए एक कॉन्स्टेंट रेफरेंस मैनुअल रहा है मेरे किताबों के इस शेल्फ में, लेट्स किल गांधी, मतलब गांधी जी की एसासिनेशन के बारे में शायद ही इतनी डिटेल्ड किताब हिंदुस्तान में या फिर पूरे दुनिया में कोई देखने को मिलेगी। तो ये दोनों किताबों के बारे में मैं आग्रह करूंगा हमारे श्रोताओं को कि वो जरूर इन किताबों को देखें, पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने का है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा। इंसिडेंटली मैं ये भी मतलब शेयर करूं हमारे व्यूअर्स के साथ कि आपकी बेटी इनके नाम पे आपने रखा है, आपकी बेटी का नाम भी कस्तूर है। ये मैंने कहीं पढ़ा है, तो मेरे को बहुत ही मार्मिक लगा, और इससे एस्टैब्लिश होता है कि आपका इनके प्रति कितनी डीप सीटेड आपके दिल में उनके लिए जगह है। आपने शायद कुछ साल पहले, एक दशक पहले, एक अलग किताब लिखी थी जिसके बारे में मैं रेफरेंस पढ़ रहा था। इनके ऊपर इनकी एक पोर्ट्रेट, पेन पोर्ट्रेट, इनका प्रोफाइल, इनकी जिंदगी के बारे में वो भी लिखा है। गांधी जी एक टावरिंग पर्सनैलिटी थी उनकी छत्र छाया में, एक तरह से मैं छत्र छाया का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स में कस्तूरबा गांधी का सेकेंडरी पोजिशन के तौर पर उभर के आता है। इस डायरी को ट्रांसलेट करते समय, इसको पढ़ते समय आपको क्या लगता है कि गांधी जी की जिंदगी में कस्तूरबा का क्या भूमिका, क्या इन्फ्लुएंस, किस तरह की उनकी जिंदगी थी, कितनी कितना उन्होंने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया, ये जानना चाहता हूं। मुझे लगता है निलंजन जी कि कस्तूरबा और बापू का जो रिश्ता था वो इतने दशकों का था, और सबसे जब जिसको कहा जाता है कि जब हमारा व्यक्तित्व घड़ा जाता है, हमारे संस्कार हम पर आते हैं, हम संस्कार प्राप्त करते हैं, उस उम्र से वो दोनों साथी थे। उनकी शादी उम्र के 13वें साल में हुई थी, दोनों 13 साल के थे, बा चंद महीने 6 महीने बड़ी थी बापू से, पर तब से लेकर उनकी आखिरी सांस तक जो साथ उन्होंने निभाया, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि दोनों की का इन्फ्लुएंस दोनों के ऊपर हुआ होगा, दोनों के व्यक्तित्व को जो एक स्वरूप मिला आखिर जाके, उसमें ऐसा कहना कि बापू के ऊपर बा का
ही इन्फ्लुएंस ज्यादा था उससे, मुझे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को घड़ने में बहुत महत्व का एक किरदार निभाया होगा, क्योंकि अगर आप उनकी जीवनी पढ़ें तो पता चलता है कि उनके जो बुजुर्ग थे, उनके माँ बाप थे, वो चल बसे बहुत जल्दी से। पर एक अगर कांस्टेंट देखे कंपेनियनशिप का, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, वो दोनों एक साथ दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सहारा बनते हैं, एक दूसरे का, एक दूसरे को सही मार्ग भी दिखाते हैं। आप दक्षिण अफ्रीका का पूरा इतिहास उनका पढ़ लें तो पता चलता है। बापू ने कई दफा और कई चीजों में ये बात स्वीकारी है कि ये बात मुझे मेरी पत्नी कस्तूर ने सिखाई या उसमें से मुझे प्रेरणा मिली, जैसे पैसिव रेजिस्टेंस है या सविनय आज्ञा भंग का जो हथियार बापू ने हमारी आजादी के लिए इस्तेमाल किया। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि मेरी गुरु उसमें मेरी पत्नी कस्तूर थी। तो बापू ने भी ये एडमिट किया है, और मुझे लगता है कि अगर बापू जितना लिखती और अपने जीवन के बारे में खुद के शब्दों में हमें एक एक रेखा चित्र, एक शब्द चित्र बनाकर देती, तो बा ने भी ये कबूल किया होता कि बापू का उनके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस है। ये एक उनके रिश्ते की खूबी मुझे लगता है थी, क्योंकि इतना लंबा वो रिश्ता चला और इतनी सारे अवतारों में से गुजरता गया। उनकी शादी एक दूसरे के साथ हुई, लेकिन बा को मोहनदास के बदलते रूपों के साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ी हो, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संसार वापस से रचाना हो, इतना फर्क बापू के किरदार में होता रहा उनकी जीवन भर में। तो ये सारे एक्सपीरियंसों में अगर दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार और दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास उतना अड़क नहीं होता, तो वो मुमकिन नहीं हो पाता। जैसे मुझे लगता है कि दोनों की बहुत अहमियत थी एक दूसरे के लिए, और बा ने अपनी मर्जी से जब बापू की छवि, बापू की प्रतिमा का कद बढ़ता गया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, उनकी आकृति बढ़ती गई, तो बा ने अपने आप को स्वैच्छिक तरीके से संकोच लिया और वो उस छाया में विलीन होती गई, और उन्होंने सारा जो प्रकाश था, जो तेजोवलय था, वो बापू के लिए रिक्त कर दिया, और वो भी उनकी मर्जी से, खुद की मर्जी से उन्होंने किया। ये बा की महानता थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में अगर हम देखें तो दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो भी किया, आश्रम रचा, आश्रम को बनाया, उसमें से सत्याग्रह का कंडक्ट किया, सत्याग्रह चलाया। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में बा ने अपने आप में बहुत महत्व का किरदार निभाया, महिलाओं के अधिकारों को लेकर और सब। और बापू ने भी उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां वो डालते गए। बापू के एब्सेंस के कारण आश्रम की भी जिम्मेदारी, परिवार की भी जिम्मेदारी, क्योंकि बड़े दो बेटे तो वयस्क होने लगे थे, लेकिन छोटे दो बेटों को की परवरिश करनी थी, और वो सब करते हुए आश्रम परिवार को अपना परिवार मान के उनकी भी संभालना, उनके भी हितों की रक्षा करना, उनको संभालना, उनकी जरूरतों प्रोवाइड करना, ये सारी जिम्मेदारी बा ने बाखूबी निभाई। पर हिंदुस्तान लौटने के बाद बा ने अपने आप को, अपनी परछाई को धुंधला बना दिया, वो परछाई को ज्यादा नहीं दिया, अपने एक इंडिविजुअलिटी को उन्होंने वॉलंटरीली रिस्ट्रिक्ट कर लिया। आपने जो डायरीज की बात, मतलब इसमें जो डायरी है, इसमें बा की जिंदगी का एक बहुत ही छोटा सा स्लाइस देखने को मिलता है, तो इस स्लाइस में क्या उनकी जिंदगी को के, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव स्लाइस था वो पीरियड जो था जिंदगी में? मैं मानता हूं निरंजन जी की ये बहुत ही एक छोटा सा वक्त था बा की जिंदगी का, पर
इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है, हाँ इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि बा के शब्द में अपने जीवन का एक छाया चित्र, सिर्फ ये एक छोटा सा लम्हा उनके उनकी जिंदगी का वही देता है, और इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाकी कहीं से भी कस्तूर की जिंदगी की कहानी हमको नहीं मिलती, वो हमेशा बापू की पत्नी के स्वरूप में ही उनका परिचय हमको मिलता रहा है। और ये डायरी का अगर ऐसी जैसे बापू के कलेक्टेड वर्क्स के 100 वॉल्यूम्स है, वैसे अगर बा के वॉल्यूम्स होते तो ये डायरी का कोई मायना ही नहीं रखता, कोई महत्व ही नहीं होता जी। पर वो नहीं है, बा के अक्षरों में, बा के शब्दों में उनकी जिंदगी का ब्यौरा ये एक छोटी सी पॉकेट डायरी ही है, और वो एक 9 महीने का उनकी पूरी जिंदगी का एक वक्त, एक लम्हा हमें मिल रहा है ग्लिम्स में। मुझे ये कन्फेस करना है आपको कि आपकी किताब जब तक आई नहीं थी और जब तक मैंने इसको पढ़ा नहीं था, तब तक मेरे भी परिकल्पना में बा सिर्फ एक गांधी जी की पत्नी के तौर पे थी, उनकी कोई इंडिविजुअलिटी के बारे में, कम से कम मेरे मेंटल स्पेस में कोई इंडिविजुअलिटी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो इस किताब को, उनकी डायरीज को पाठकों के सामने लाने के लिए आपको मैं तमाम गांधी के जो, गांधी जी को जो समझना चाहते हैं, उनके बारे में जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया देता हूं। शुक्रिया। बात को थोड़ा, बात का दायरा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि आज गांधी जयंती है और हम देख रहे हैं कि 2014 ऑनवर्ड स्पेसिफिकली गांधी जी, गांधीवाद पर, उनके मेमोरीज को लेके, उनके आदर्शों को लेकर उस पे ज्यादा अटैक्स और एक कंसर्टेड पॉलिटिकल कैंपेन हो रहा है। उसी के साथ साथ एक प्रिटेंस के लिए उनका अप्रोप्रिएशन भी देखने को मिल रहा है। गांधी जी के साथ ऐसे ये आप कहेंगे कि 75 साल से लगभग यही हो रहा है, 48 के बाद से, गांधी जी की हत्या के बाद से हर एक कोई उनको अपनाना चाहता है बगैर उनके, उनको सही तरह से समझे या उनके जो विचार थे उनमें आस्था नहीं रखते हुए भी, फिर भी उनको एम्ब्रेस करते हुआ है। लेकिन कुछ चैलेंज क्या आपको लगता है, कुछ ज्यादा बढ़ गया है? अगर लगता है आपको तो किन दिशा में, इसके बारे में जरा बताएं मुझे। निलंजन जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में जो बापू की एक छवि है, बापू की जो एक आकृति है, उसके ऊपर कई बार हमले किए गए हैं और कई बार वो एक बहुत सुनियोजित तरीके से उनकी प्रतिमा को खंडित करने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन मुझे उसमें ज्यादा खतरा नहीं लगता, क्योंकि हर बार जब भी हमला होता है, जब भी वाकया होता है, तो एक तरीके से उनका, उनकी जो एक एक विचार है उसको ज्यादा ताकत मिलती है। पर मुझे सबसे ज्यादा खतरा ये लग रहा है कि इन सब के पीछे एक मुहिम वो चल रही है कि हम गांधी का हमें जो उपयोगी हो सके वो एक नया चेहरा बना के गांधी को लोगों के बीच में ले जाए और पेश करे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर इसको हमने रोका नहीं, अगर इस साजिश को हमने हराया नहीं, तो शायद 10 साल के बाद जो गांधी लोग जानते होंगे वो गांधी होगा ही नहीं, वो शायद नथुराम। ऐसे भी मतलब पिछले कई सालों से हमको देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से विनायक दामोदर सावरकर को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, उनको जिस तरह से बिल्कुल ऑफिशियल आइकन के तौर पे उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, ये हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जब आज से करीब 20 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी कि जब सरकार थी, वो जब प्रधानमंत्री थे, तब से लेके सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में उनकी छवि रखी गई थी, तब से लेके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सावरकर की मेन स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में, ये देखने को मिल रहा है। आप ये भी जिक्र कर रहे थे कि गांधी जी को, जिस गांधी जी को पेश किया जा रहा है, उनकी जो छवि को पेश किया जा रहा है,
उसको आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि गांधी जी को किस तरह से कैरेक्टराइज किया जा रहा है और वास्तविक गांधी जी आपके हिसाब से क्या है? हम सब जानते हैं कि एक तरह से इस सरकार ने गांधी जी को एक तरह से सैनिटरी इंस्पेक्टर के तौर पे रगा दिया गया, ये एक सर्टन इस्तेमाल किया था, हमारे ही एक परिचित लेखक ने इसमें कहा था कि गांधी हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड द ऑफिशियल इमेज ऑन आवर करेंसी नोट्स। तो यही रह गया है, हमारे जो नोट हैं उनके ऊपर गांधी जी का। आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, ये बात सही है और मैंने इसलिए ये बात कही कि जो जिस छवि में जिस तरह से गांधी का नया आविष्कार वो करना चाहते हैं, वो उसके बहुत ये लोग देखिए निलंजन, ये हमें समझना होगा कि ये लोग कोई चीज स्टैंड अलोन नहीं करते कि बस इतना करके छोड़ दिया, वैसा नहीं होता। वो पूरे का पूरा चित्र उसके बैकग्राउंड के साथ बदलने की कोशिश करते हैं और वही वो लोग साबरमती आश्रम के साथ भी करना चाहते हैं। आज अगर भारत में गांधी के जीवन का के उदाहरण अगर दो हो तो वो साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम जी। और अभी जो पिछले 3 सालों से जो मुहिम चल रही है ब्यूटिफिकेशन रीडेवलपमेंट के नाम पर साबरमती आश्रम को एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की जो सरकार की तजवीज चल रही है, उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि जिस जो मॉडिफिकेशन वो करेंगे, क्या आज जो बापू की सादगी और जो वॉलेंटरी पावर्टी, जो गरीबी उन्होंने अपनाई थी अपनी स्वेच्छा से, उसका उदाहरण दृष्टांत बन जाता है साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम। तो अगर साबरमती आश्रम हमने खो दिया तो आने वाली पीढ़ियों को क्या ये जरा भी ये होगा, एतबार होगा कि गांधी मुमकिन था और मुमकिन है आज भी? जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि जेनरेशंस टू कम विल नॉट बिलीव, ये मुमकिन नहीं, ये मानेंगे नहीं कि हाड़ मास का ऐसा व्यक्ति हमारे बीच कभी रहा था। उसका सबूत साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम है और ये लोग साबरमती आश्रम को और उनकी भाषा में जो वर्ल्ड क्लास है, हमने देखा है कि जलियांवाला बाग में उन्होंने क्या किया है, हमने कई जगहों पे देखा है कि उन्होंने अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उसको उन जगहों के महत्व के से भी ज्यादा करके किस तरह से भ्रष्ट किया है। और अगर साबरमती आश्रम को हमने सरेंडर कर दिया, हमने वहां घुटने टेक दिए, तो फिर गांधी के चित्र को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे सबसे बड़ा खतरा ये सब जो डेवलपमेंट्स है उसका लग रहा है। नवजीवन हमने खो दिया है, नवजीवन प्रकाशन जिस उद्देश्य से बापू ने उसको अपनी सारी राइटिंग्स दी थी, अपने सारे लेख दिए थे, अपने सारे पुस्तक दिए थे, वो पिछले 10 सालों में वो काम नहीं कर रहा जी। और एक तरीके से जो सरकारी जरूरत है उसको पूरा करने का कार्य कर रहा है। तो अगर नवजीवन गया तो बापू का शब्द देह गया, साबरमती जाएगा तो बापू का घर चला जाएगा, जो जिस घर में से हमें एक भरोसा होता था कि जो हमने सुना है गांधी के बारे में, ये घर उन चीजों की पूर्ति करता है, हमें विश्वास होता है कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर वो चला गया तो फिर गांधी का चित्र भगवा गांधी के स्वरूप में शायद आ जाएगा। काउंटर उनके तरफ से ये आता है साबरमती के डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर हम कुछ इस तरह से बदलाव लाएं कि ताकि ज्यादा लोगों को हम आने में आकर्षित कर सकें, तो हम तो एक तरह से गांधी और उनकी जो टीचिंग्स थी उनको हम ज्यादा दुनिया में पॉपुलराइज कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि वो आए और समझें गांधी के बारे में। तो उनके इस आर्गुमेंट में क्या फॉल्ट लगता है आपको? इसमें दो चीजों में परस्पर विरोधाभास है। एक तो आकर्षित करना, तो साबरमती का आकर्षण क्या है कि गांधी वहां रहते थे, वो उसका आकर्षण।
अगर आपको यही समझ नहीं आता कि भाई क्या आकर्षण है, तो फिर आपको गांधी कभी समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर आप समझाएंगे क्या लोगों को, कौन सा गांधी समझाएंगे? ये दो चीजों का सबसे बड़ा, कि जिनको साबरमती जैसा है वैसा ही उसका महत्व समझ में नहीं आता, तो वो लोग गांधी समझाएंगे कैसे, और समझाएंगे भी तो कौन सा गांधी समझाएंगे? तो ये जो शब्दों का खेल रचने में वो लोग बहुत माहिर है, और इसमें ही हम लोग फंस जाते हैं उनके जाल में। और इसलिए ये जरूरी है कि हम उनकी आस्था किस चीज में है वो समझे, और उनकी आस्था हिंसा में है। संघ परिवार ने हमेशा हिंसा को ही अपना धर्म और अपना कर्म माना, और मिलिटराइज्ड इंस्टीट्यूशन है, और आज की जो सरकार है वो संघ परिवार का ही एक ऑफस्प्रिंग है जी। तो उनसे हम ये मान, उनको हम ये जिम्मेदारी सौंप दे कि अहिंसा के पुजारी को तुम ही समझा सकते हो दुनिया को, तो ये मुझे लगता है कि ये हमारी बेवकूफी है। आपने संघ परिवार की बात की, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सावरकर के बारे में बात कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि सावरकर के खिलाफ केस चला था, उनको अल्टीमेटली एक्विट किया गया था। हम सब जानते हैं कि उस एक्विटल के बावजूद दोबारा से कपूर कमीशन की बिठाया गया था री इन्वेस्टिगेट करने के लिए हत्याकांड को, और हम सब जानते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दी थी जिसमें हम ये कह सकते हैं, अगर हम ठक्कर कमीशन जो इंदिरा गांधी की हत्या पे जो रिपोर्ट हुई थी, तो उसमें से एक फ्रेज उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं कि द नीडल ऑफ सस्पिशन कंटिन्यूज टू पॉइंट एट सावरकर एज फार एज गांधी असैसिनेशन की बात है, कि वो जो सस्पिशन का, संदेह का जो सुई है वो सावरकर के प्रति अभी भी है। कपूर कमीशन के रिपोर्ट को एक तरह से हम लोगों के पब्लिक डिस्कोर्स में से मतलब साफ कर दिया गया, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया। तो इन चीजों को हम लोग कैसे डिस्कोर्स के सेंटर में लाएं, और अगले कुछ सालों में हम लोग गांधी जी के कौन कौन से एसेंशियल टीचिंग्स और उनके प्रैक्टिसेस को हम लोग उजागर कर सकते हैं, लोगों के अंदर पॉपुलराइज कर सकते हैं? मुझे इसमें बहुत एक खुशी है कि कपूर कमीशन को, जिसको लोगों ने बहुत ही नजरअंदाज कर दिया था, मेरी किताब में मैंने उसका ब्यौरा काफी हद तक बहुत डिटेल दिया है, एक पूरी सी सेक्शन मैंने कपूर कमीशन के फाइंडिंग्स और रिपोर्ट के बारे में दी। और पिछले 2-3 सालों में ऐसी दो महत्वपूर्ण किताबें जो मुझे लगती है कि बहुत महत्वपूर्ण है वो आई है, जिनके कारण लोगों को कपूर कमीशन में जो तहकीकात हुई थी उसके ऊपर से गांधी हत्या को रीइंटरप्रेट करने का मौका मिलता है। एक तो नथुराम गोडसे पे है गांधी इज असैसिन करके जी। और दूसरी है जो हिंदी में मूल आई थी और उसका अंग्रेजी अनुवाद अभी कुछ दिनों में वाई दे किल्ड गांधी करके आई है। ये दोनों किताबों का बेसिस कपूर कमीशन के रिपोर्ट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में से है। मुझे लगता है कि ये अब जो गांधी हत्या का डिबेट है वो कपूर कमीशन के मद्देनजर रख के हमने उस डिस्कोर्स को चलाना चाहिए। और इसका महत्व तो इसलिए भी है कि पिछले कई सालों में सावरकरवादियों ने और संघियों ने बहुत सारी कोशिशें की है कपूर कमीशन को डिस्क्रेडिट करना, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में जाके ये याचिका भी डाली है कि कपूर कमीशन का रिपोर्ट खारिज करके एक नया इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, और ऐसी और बापू की हत्या के बारे में मनगढ़ंत थियरीज वो लोग लाते रहते हैं, अज्ञात खूनी, चौथी गोली, दूसरी बंदूक, ये सारी चीजों को इसलिए उसका चलन हमारे पब्लिक जहन में किया जा रहा है क्योंकि वो लोग जो फैक्ट है उसको इतना कंफ्यूजिंग कर देना चाहते हैं कि लोगों को उसमें से दिलचस्पी उठ जाए। जैसे एक है ना कि किसी को वो जो मेज होती है उसमें छोड़ दो, वो इतना खो जाएगा कि कभी सही रास्ता ढूंढ ही नहीं पाएगा। और गांधी मर्डर के बारे में वो वही करना चाहते हैं।
सावरकर पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीडेड ऑफ सस्पेशन, मैं कहता हूँ कि अगर कोशिश की जाती तो वो कन्विक्ट होता, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात यह है कि बापू की हत्या के दो दिन पहले तक नथुराम गोडसे के पास हथियार भी नहीं था और उसे कहीं से भी वो हथियार प्राप्त नहीं हो रहा था जी। और कपूर कमीशन में हमें पता चलता है कि 28 की सुबह जी दिल्ली जाने से पहले गोडसे और आप्टे सावरकर को मिले थे, और मुझे ये यकीन है कि अगर वो मुलाकात 20 की जो साजिश, नाकामयाब साजिश हुई थी जिसमें नीडल ऑफ सस्पेशन सावरकराइट्स के ऊपर भी गया था, उसके बाद भी अगर सावरकर गोडसे और आप्टे को मिलते हैं तो वो इसीलिए मिले हैं कि उनको गाइडेंस करे, और ये मुलाकात के बाद डायरेक्टली दिल्ली जाने के बाद गोडसे और आप्टे ग्वालियर पहुंचते हैं और वहां से एक दूसरे सावरकर भक्त, सावरकर के वफादार सिपाही की मदद से उस जमाने की सबसे आधुनिक बंदूक प्राप्त करके वो लोग 29 को वो बंदूक लेकर दिल्ली वापस आते हैं, जिसे फैसिस्ट स्पेशल, आज भी गन हिस्टोरियंस जिसे फैसिस्ट स्पेशल कह के करते हैं, और आज भी जिस बंदूक का उपयोग क्लोज रेंज किलिंग के लिए सबसे भरोसे पात्र हथियार के तरीके से माना जाता है, वैसी बंदूक नथुराम के हाथ में आती है। और अगर आप वो पूरा इन्वेस्टिगेशन देखे गांधी मर्डर का, मेरे को तो मतलब वो हथियार कैसे, हाँ, वो हथियार कैसे नथुराम तक पहुंचा, उसका इन्वेस्टिगेशन सबसे कमजोर दिखाई देता। जी नहीं, मैंने भी असल में अभी हाल ही में मैं ग्वालियर गया था, वहां जिस तरह से डॉक्टर परचूरे और सावरकर को लेके, नाथुराम को लेके हिंदू महासभा के लोग वहां पे मंदिर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में मैं ऐसे ही मैं गया था जानकारी लेने के लिए, आके फिर लौट के लिखा भी उस पूरे प्रकरण के बारे में कि किस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है। तो आपकी बात से ये समझ में आ रहा है, जो आखिरी जो बिंदु जिस पे टच करना चाहता हूं, कि ये समझ में आ रहा है कि गांधी जी, उनकी स्मृति पर, गांधीवाद पर उनके जो विचार थे उन पे बहुत अटैक्स तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता में अभी भी ऐसी समझ है कि इतनी आसानी से गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है? नहीं, यही एक वस्तु है, क्योंकि देखिए भारत की पहचान आज भी गांधी ही है, गांधी का देश उसी रूप से इसे पहचाना जाता है, और वो पहचान मिटाने को बहुत बहुत बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी, जो चल रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है जी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ भले प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ संसद में बैठे, पर जब विदेश जाते हैं तो उनको बापू की प्रतिमा ढूंढ के उधर मत्था टेकना ही पड़ता है। देश में भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ साथ गांधी जी का जिक्र भी करते रहते हैं। 2 अक्टूबर को आज गांधी जयंती, आज दिन उनका वहीं से शुरू होता है, और सिर्फ आज के दिन नहीं, जो गांधी जी की जिंदगी के जो हर साल जो उनके जिंदगी के जो अहम कदम है उसमें हर समय पे गांधी जी का नाम लेके ही इस सरकार के सब लोग, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी अब गांधी का नाम पर मतलब स्वैर करने लगे। बिल्कुल नीलांजन, ये देखिए मैं जब युवा था, बच्चा था, तो एक मुहावरा बोला जाता था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जी। आज बापू के हथियारों की मजबूरी बन गई है महात्मा गांधी जी, वो बेचारे उनके साथ जी भी नहीं सकते, और उनको मारने के बावजूद उनकी जो याद है, उनकी जो उनका जो विचार है उसको मार भी नहीं सकते। तो चूंकि आपने एक थोड़ा सा एक ह्यूमरस हम लोगों की जो इस्तेमाल करते थे गांधी जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो इस बात पे मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक तरह से गांधी जी, गांधीवाद, गांधी जी से जुड़ी हुई सब कुछ जो है एक दूसरे डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए
संघ परिवार के लिए लिक्विड ऑक्सीजन है जो ना उनको जीने देगा ना उनको मरने देगा। अमर गांधी जी और उनसे जुड़े हुए तमाम स्मृतियां, गांधीवाद और जो तमाम जो उनकी जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में जो जो सोच है लोगों में वो हमेशा अमर रहेगा। तुषार भाई, हमारे इस कार्यक्रम में आके हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया, और आपके श्रोताओं को एक बार फिर नमस्कार।